ये लीजिए सर। थैंक यू भैया फाइल लाने के लिए, पता नहीं घर पे कैसे भूल गई, ध्यान ही नहीं था। इट्स ओके। अरे भैया आप कहाँ जा रहे हो, बैठो ना। अरे बस फाइल देने के लिए आया था। इट्स ओके, तू कैरी कर। अरे भैया आप क्या बोल रहे हो, बैठो ना, हम प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, आप बैठो, सोचो मत, प्लीज बैठो। बैठो भैया। प्लानिंग तो बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू सर। इंप्रेसिव, आपके रेट्स, आपके डिजाइंस सब बहुत सही है, पर मेरी बस एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। मैं चाहता हूँ कि सारा प्रोडक्शन एक हाइजीनिक और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी कंप्रोमाइज हो। और हाँ, मैं खुद के क्वालिटी कंट्रोलर्स आपके यहाँ भेजने वाला हूँ, जो डिलीवरी से पहले सारे माल की जाँच करेंगे। सर, आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो हम आपको बेस्ट बेस्ट क्वालिटी ही देंगे, और रही बात क्वालिटी कंट्रोलर्स की, तो वो हमारे पास हैं, आपको भेजने की कोई जरूरत नहीं, हमें अच्छे से पता है कि प्रोडक्शन कैसे होता है। क्वालिटी की बात तो आप मत कीजिए मिस्टर आदित्य, मुझे पता है कि क्वालिटी में प्रॉब्लम की वजह से आपका पिछला कंसाइनमेंट कैंसिल हो गया था। सर, हमें जो कोटेशंस मिली है उसके अकॉर्डिंगली हम आपका कंसाइनमेंट डिलीवर कर देंगे, और क्वालिटी की बात है तो वो मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होगा, हम आपकी एक्स्ट्रा केयर के हिसाब से अपना प्रोडक्शन बजट नहीं बिगाड़ सकते। आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरह से क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। सर, हम भी अपनी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, अगर आपको हमारे ऊपर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है तो आप प्लीज हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मत दीजिए, नहीं चाहिए हमें। भाई, अगर आपका ये तरीका है बात करने का तो मैं समझता हूँ कि हमें आपके साथ बिजनेस करना ही नहीं है। सर, नहीं तो क्या आप ठीक तरह से बात कर रहे हैं? इट्स बेटर कि हम ये डील कैंसिल कर दें। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको नहीं करना है तो जाइए। प्लीज आप रुकिए, अब एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आई कैन एक्सप्लेन, आप प्लीज बैठिए। प्लीज सर, लगता मापा पुलिस स्टेशन गए। श्वेति जान, आप रो क्यों रहे हो? अपा, मैं कहाँ है अपा? मुझे अम्मा चाहिए। ना, चुप, इतना चुप। बेटा, आपको पता है अभी मेरे सपने में कौन आया था? गेस करो। हाँ, अम्मा आई थी मेरे सपने में। हाँ, अम्मा ने मुझसे कहा कि मेरी शीतू का बर्थडे आने वाला है बाला, तो उसे उसके बर्थडे पे एक अच्छा सा पिंक कलर का फ्रॉक लेके देना, और उन्होंने मुझसे कहा कि बाला देखना मेरी शीतू रोए बिल्कुल ना, क्योंकि अगर मेरी शितिजा रोएगी तो फिर मैं भी रोऊंगी। तो क्या आप चाहते हो कि आपकी अम्मा रोए आपके कारण? तो फिर आप भी नहीं रोगे ना, फिर अम्मा भी नहीं रोएगी। बेटा, आपकी अम्मा यही है, हमारे पास ही है। वो एक्चुअली बात ये है कि आपकी अम्मा ना तारा बन गई हैं आसमान में, स्टार। देखो, तुम्हें याद है ना जब अम्मा को अच्छी जॉब मिली थी तो हम लोग दिल्ली से चेन्नई शिफ्ट कर गए थे, तो वैसे ही गॉड ने आपकी अम्मा को बेटर जॉब देके स्टार बना दिया है। और बेटा, आपकी अम्मा ना हम सबको वहां से देख सकती है, इसलिए हमें खुश रहना है, नहीं तो फिर वो भी उदास हो जाएगी। I promise you, मैं नहीं रहूंगी। कैसे संभालूंगा मैं अपने बच्चों को तुम्हारे बिना? क्यों छोड़ के चले गए मुझे? अंकल के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, श्रीदिजा को इस वक्त हमारी बहुत जरूरत है। नहीं आलियो जी, जो इस वक्त हम इस किसी से भी बात नहीं करना चाहते, जब तक रमन जीजू की बेगुनाही साबित नहीं हो जाती तब तक जीजू नहीं चाहते कि उस घर का कोई भी सदस्य श्रीदिजा से बात करे।
यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आई अश्योर यू कि हम हमारे प्रोडक्शन का पूरा ख्याल रखेंगे। हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ही ज्यादा हाइजीनिक है एंड सर आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम हमारा क्वालिटी कंट्रोल भी बढ़ा रहे हैं। सर आई गिव यू कंप्लीट अश्योरेंस कि आपके कोई भी प्रोडक्ट में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। आप जब भी चाहेंगे आप अपने क्वालिटी चेकर्स भेज दीजिएगा, सर आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं मिलेंगी। ये लीजिए सर, थैंक यू, आई एम सो सॉरी। मिस्टर आदित्य, आपको अपनी बहन से सीखना चाहिए कि बिजनेस कैसे करते हैं और मैनर्स भी। देखा ना कैसे बात की उसने। एक व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार, क्या हो गया तुम्हें? क्या चाहती हो कि हमारा और ज्यादा लॉस हो जाए? रूही, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन मानने की क्या जरूरत थी? कैसे मैनेज करेंगे हम सब? जस्ट रिलैक्स भैया, मैंने ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं लिया, कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा ना भैया। जब पापा ने मुझे बताया कि क्लाइंट ये है तब मैंने उनकी रिसर्च की थी, उसके बाद ही मैंने फाइनल कोटेशंस दिए थे, मैंने कर ली थी ना। क्या रिसर्च की तुमने? मैं इतने सालों से पापा को बिजनेस संभालते हुए देख रहा हूँ रूही, हम खुद का घाटा करके दूसरों के क्वालिटी कंट्रोल में पैसे लगाएंगे क्या? अल्टीमेटली हमें भी इस डील से पैसे कमाने हैं। एग्जैक्टली, अगर पैसे कमाने हैं तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हम हमारे हाथों से कैसे जाने दे सकते हैं भैया? आप एक बार मेरी शांति से बात सुन क्यों नहीं लेते भैया? जब मैंने उनकी रिसर्च की थी तभी मुझे पता चल गया था कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है और वो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रखने वाले हैं, तभी तो मैंने क्वालिटी कंट्रोल के सारे कॉस्ट पहले ही कोटेशंस में डाल दिए थे। तो फिर हमारा घाटा कैसे होगा भाई? एडिशनल कॉस्ट तो क्लाइंट बेयर कर रहा है ना, इसीलिए तो मैंने सारे फिगर्स फाइनल कर दिए थे पहले ही। हमारे प्रॉफिट पे कैसे असर पड़ेगा इसमें? क्यों मिस्टर सन्याल, आप बताइए। यस मैम। अजी सर, मैं कब से आपको इशारे में यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं। और अजी सर, मानना पड़ेगा रूम मैम का बिजनेस करने का सेंस, उन्होंने हमें इस पर रिसर्च करने के लिए कहा था। मिसेस सानियल, अब आप जाइए और जल्द से जल्द काम शुरू कीजिए, ओके? जी मैम। रमन सर को भी सही पहचाना, तभी तो अपनी बेटी को बिजनेस हैंडल करना है।